पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिलारी चुनाव में बार सदस्य और उनके परिवार को धमकी देने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पेश किया। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान में भी इस प्रकरण को पोर्टल के माध्यम से भेजा गया। शनिवार को प्रतिनिधि मंडल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राजू गुप्ता एडवोकेट बार के सम्मानित सदस्य हैं। शिकायती पत्र में कहा गया कि राजू गुप्ता नगर पालिका परिषद बिलारी के वार्ड नंबर 11 से सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बड़े भाई गंगा प्रसाद राजेश नगर पालिका परिषद बिलारी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। उनका आरोप है कि उनके बड़े भाई गंगा प्रसाद राजेश के नामांकन पर प्रदीप चौधरी के द्वारा गत 18 अप्रैल को आपत्ति लगाई गई थी, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर उप जिलाधिकारी बिलारी के न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि दोनों भाई चुनाव आयोग की गाइडलाइन के निर्देशानुसार अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आरोप है कि 28 अप्रैल को मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश व्यक्तियों ने उन्हें रोका और कलपट्टी पर देसी पिस्तौल लगाकर धमकी दी। एसएसपी से दोनों भाइयों ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम राजीव गुप्ता एडवोकेट है और मैं दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद का सदस्य हूँ और बिलारी तहसील बिलारी का रहने वाला हूँ। मैं बिलारी के नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 11 से सभासद प्रत्याशी हूँ और मेरे बड़े भाई श्री गंगा प्रसाद राजेश चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं बिलारी नगर पालिका परिषद बिलारी से, और बड़े भाई श्री गंगा प्रसाद राजेश कुमार पने बैस सभा बिलारी के अध्यक्ष भी हैं और भाई शक्ति मंदिर बिलारी के अध्यक्ष भी हैं। और पहले तो दिनांक 18/4/2022 को श्री प्रदीप चौधरी जी के द्वारा बड़े भाई श्री गंगा प्रसाद राजेश जी के पर्चे पर आपत्ति लगाई गई, जिस पर जो है वो हमें अपना जवाब देने के लिए मौका जिलाधिकारी महोदय और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया, जिस पर हमने अपने आपत्ति का जवाब और मय शपथ पत्र जो है दाखिल किया, जिस पर हमारा पर्चा जो है वो बहाल हुआ और आपत्ति जो है निरस्त कर दी गई। उसके बाद हम दोनों अपने चुनाव प्रचार और प्रसार में जुट गए, लेकिन विपक्षी जो है वो तरह तरह से जो है वो अपने हाथ लगाए हुए बैठे हुए हैं। कल 28/4/2023 की रात को हम दोनों भाई अपने भतीजे श्री विशेष गुप्ता की रिंग सेरेमनी में मुरादाबाद रोड भाई जी रिसोर्ट पर गए हुए थे। वहाँ से घर अपने ओम विहार कॉलोनी लौट रहे थे। रात को 10:30 बजे जो डाक बंगला जिसे निरीक्षा भवन भी कहती हैं उसके चौराहे पर जो है वो दो लोग मोटरसाइकिल से आए और हमारी स्कूटी के आगे लगाकर हमारी स्कूटी रोक ली और धमकी दी कि तुम चेयरमैन ऋषिपाल सिंह चौधरी को नहीं जानते हो और वो जो है तुम उनके पत्नी के विपक्ष में चुनाव लड़ा रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, तुम अपने चुनाव प्रचार को बंद कर दो, नहीं तो जो ये अच्छा नहीं होगा। तुम हमारे समाज को नहीं जानती हो या हमें नहीं जानती हो। हमने बिलारी में 4 पंडित और 1 गैस मालिक की हत्या करा दी है, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। हम आपसे कह रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अपना चुनाव प्रचार बंद कर दीजिए। इस संबंध में आपने कोई शिकायत की है? हाँ, इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक शिकायत पोर्टल के माध्यम से की है और दीवार एसोसिएशन लैंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के लेटर हेड के जरिए जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुरादाबाद क्या मांग की है आपने? ये मांग की गई है मेरे द्वारा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें और मुझे व मेरे भाई को सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हम दोनों भाई निडर होकर अपने चुनाव प्रचार और प्रसार को कर सकें। आप किसी राजनीतिक दल से चुनाव मैदान में या निर्दलीय प्रत्याशी? मैं और मेरे बड़े भाई आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। और जो आपको धमकी दे रहे हैं वो लोग किस पार्टी से? वो ऋषिपाल चौधरी जी की पत्नी श्रीमती ज्योति सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है चेयरमैन पद का। इसी फोटो स्टेट दे पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।